हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत टाइम पहले, लाइक 2 महीने अराउंड हो गए कि एक ट्रेंड आया था, योगा स्किन मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि यूके की मेकअप आर्टिस्ट है सारा हिल, उन्होंने अपने मॉडल के ऊपर ये ट्राई किया था। लाइक आपको कुछ ब्रशेस वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, अपने हाथों से फाउंडेशन लगाना है, ब्लशर लगाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। आई नो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन देख रही थी कि बहुत से फॉरेन ब्लॉगर्स जो है उन्होंने, मेकअप आर्टिस्ट जो है उन्होंने बना के वीडियोस डाली हुई थी यूट्यूब में, और हमारे इंडियन यूट्यूबर ब्लॉगर्स जो है उन्होंने भी डाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग ज़रूर चाहेंगे कि कुछ नया देखने को मिले, कोई नया कंटेंट होना चाहिए, कोई नई वीडियो होनी चाहिए जो कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने पर ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे सिटाफिल अप्लाई किया हुआ है, प्लस मैंने प्राइमर भी किया, और प्राइमर को आपने एटलीस्ट 10 से 15 मिनट उसे छोड़ देना है, उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ जिससे स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। तो आई थिंक हो गया, स्किन को मैंने अच्छी तरह प्रेप कर लिया है, और मैंने अभी एक्चुअली लेंसेज नहीं लगाए हुए तो मैंने इसलिए ये स्पेक्स पहने हुए। प्लस मैंने अपने हाथों में ले लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, फाउंडेशन मेबलिन का लिया है जिसका शेड नंबर है 128 है, वॉर्म बेज है। और इसके अंदर आप सोच रहे हो कि मैंने क्या मिक्स किया है, इसके अंदर मैंने अपना इन कलर का हाइलाइटर मिक्स कर लिया है, और इसको अब कोशिश पूरी है कि अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँ, क्योंकि अब दोनों हाथों से लगाना है और उसके बाद अपने अपने हाथों में ऐसे फैला लेना है। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को फाउंडेशन ज़्यादा देख के अजीब सा होता, लेकिन फिर भी मैं जितना ले सकती थी उतना। और अब इसको मैंने अप्लाई करना है अपने फेस में, जैसे कि आप क्रीम लगाते हैं ना, मेरे को लग रहा है मुझे उतारना ही पड़ेगा। तो जैसे आप क्रीम लगाते हैं वैसे आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है इवनली। अभी तो मैं अपने स्पेक्स भी निकाले हुए, लेकिन फिर भी कैमरे में देख के मैं देख रही हूँ कि कितना हद तक प्रोडक्ट ब्लेंड हो रहा है। जितना भी हाथों का है वो आपने अच्छी तरह, जैसे आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करते वैसे अंडर आई, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं ज़्यादा, मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंडर आई में थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि करना ज़रूरी है। फाउंडेशन पूरा अच्छी तरह ब्लेंड होना चाहिए, अच्छी तरह लगना चाहिए इवनली, वो भी कहीं भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा कम अगर आप लगाओगे। मैं मिरर ले ही लेती हूँ और बहुत अच्छी तरह लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है। मतलब अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं, और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप अपने, आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आपके हाथों की जो उंगलियाँ होती हैं ना, फिंगर्स, उनसे बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। देखिए आपके सामने में, इसलिए मेरा करने का मतलब था, इवन मैं अपनी आईलिड वगैरह में भी अच्छी तरह अप्लाई कर रही हूँ, इसको ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ जहाँ आपको लगता है। नेक में अप्लाई कीजिए, जो भी मतलब आपके हाथों में जितना रिमेनिंग रह गया, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे रह गया है। तो मैं अगर ब्लेंडिंग की बात करूँ सबसे पहले, तो ब्लेंड बहुत अच्छी तरह हुआ है, मतलब ब्लेंडर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। वो कवरेज है कि आपको कितनी कवरेज चाहिए। मैंने फाउंडेशन जो लिया था, मैं अगर आपको बताऊं सही मायने में, 2 से 3 ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप भी नहीं बोल सकती, मैंने ऐसे लिया था, तो तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप समझिए जितना वो फैल जाता है इतनी क्वांटिटी में। और वो पूरे हाथों में मैंने लेके, और उसके बाद देखिए आपको लग रहा है कहीं से ब्लेंडर की ज़रूरत है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी तरह, बहुत इवनली ये अप्लाई हुआ है, प्लस मैंने अपनी लिड में भी किया है, जिससे अगर आप आगे आई मेकअप कर रहे हैं, और नेक में भी जितना मतलब आपके हाथों में रह गया है, मेरे हाथों में अभी भी है जिसको मैं नेक में अप्लाई करूँ। तो ब्लेंडिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छी, और फेस पे बहुत अच्छा एक ग्लो दे रहा है। तो इसका नाम जो रखा है योगा स्किन मेकअप ट्यूटोरियल, बहुत सही लगा है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में अगर उतना रिमेनिंग कुछ बच गया है, तो आप वो अपने वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके ब्लेमिशेस है या डार्क सर्कल्स है, वहाँ पे आप अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। फोरहेड में आपने देखना है, पूरा हेयर लाइन तक आपने फाउंडेशन लगाना है। ये एक बहुत ही मेन चीज़ होती है मेकअप में, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आपने अपनी हेयर लाइन में भी लगाना चाहिए, वरना हेयर लाइन का कलर और ये वाला कलर जो होता है हमारी स्किन फाउंडेशन, वो अलग लगता है। तो देखिए ये मैंने इसलिए बात करते करते आप लोगों के सामने लगाया कि आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बाद में मैंने कुछ और अप्लाई कर लिया। ये देखिए हाथ भी मेरे अभी ऐसे हो रहे हैं, और जितना फाउंडेशन था वो सारा मेरे स्किन में हो चुका है एब्जॉर्ब, वो भी अच्छी तरह। मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लग रहा, तो बहुत ड्राई भी नहीं लग रहा, फेस बहुत सही लग रहा है। मतलब आपको ब्लेंडर की गाइस ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जो भी रिमेनिंग हो वो आपने अपने ईयर लॉब्स में और ईयर में लगा सकते हैं। और मैंने नेक में भी अप्लाई किया है, तो देखिए मतलब बिल्कुल भी ये
बिल्कुल भी बुरा नहीं है मैं ये कहूँगी. मैं थोड़ा हैंकी से अपना हाथ पोंछ लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है. उसके बाद मैंने देखा था उन्होंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ किया था. कहाँ पे यूज़ किया था? एक तो हमारी जो स्माइल लाइन होती है उसके आसपास और थोड़ा ही नोज़ के आसपास, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं क्रीज बनते हैं. तो हल्के हल्के मैंने उनको देखा था कि उन्होंने ये अप्लाई किया, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनका मेकअप ट्यूटोरियल देखा है कि क्या है, क्योंकि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. और हल्का सा जो आपकी स्माइल लाइन है यहाँ पे और थोड़ा सा अंडर आई में हल्का हल्का, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके क्रीव आते हैं ना वहाँ तो आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी. मतलब मेरे क्रीव लेकिन नहीं आ रहे, मैं अभी तक आपको बता दूँ मेरे कहीं पे कोई क्रीव नहीं आया है. बहुत ही इवनली बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है, देखिए बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है, कोई क्रीव नहीं आया. पर हल्का फुल्का अगर आपको लग रहा है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी, कॉम्पैक्ट बिल्कुल नहीं लगाऊंगी. उसके बाद उन्होंने तो यही दिखाया था. मैं सोचूँ जब फाउंडेशन लगा दिया हाथों से तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं लगाऊंगी ब्लशर. और ब्लशर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना लिप शेड लिया जाए, तो कोई लिप शेड से लगाते हैं. मैं तो एक्चुअली लिप शेड ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मतलब ऐसा लिप शेड कौन सा है रेड कलर का जो यूज़ हो जाए. या फिर ऐसा करते हैं अपने ही जो पाउडर होता है इसी को मैं अपने हाथों से अप्लाई करके देखती हूँ कि कितनी हद तक अच्छी तरह अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये मैंने दो फिंगर्स में लिया है और स्माइल करना है और अपने ब्लेंड करना है. नॉट बैड यार, लग रहा है, सही लग रहा है. तो देखिए सारा कमाल हाथों का है, कोई ब्लेंडर कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लोग सोचते होगे ना कि हमें ब्रश नहीं खरीदे यार अभी ख़रीदने, तो मैं तो कह रही हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथों से ही इतनी अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है. ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये. अगर कल को किसी के ऊपर ट्राई भी करना है, इवन कोई अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ट्राई करने वाली हूँ ज़रूर. देखिए मैंने हल्का हल्का ब्लशर अप्लाई किया, बहुत हल्का किया, बहुत ही मिनिमम. उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर, माय फेवरेट पार्ट. तो ये भी मैंने अगेन ऐसे फिंगर में लिया और इसको पहले डॉट डॉट करके मैं लगाऊंगी, लाइक ऐसे ऊपर तक. उसके बाद इसको ब्लेंड करूंगी फिंगर से, जैसे आप अपना वो लेके ब्लेंड करते हैं ना ब्लेंडर से, वैसे ही आपने करना है. तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब. और यू नो व्हाट, सच्ची बता रही हूँ मतलब मैं आपको, कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मैंने फेस पे फाउंडेशन लगाया. ऑटन जो हम फाउंडेशन लगाती हूँ मैं, जो और मेकअप ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको दिखाया है, उसमें मुझे लगता है कि यार हाँ फाउंडेशन लगाया तो कुछ लगता है कि फेस पे कुछ लगा यार जल्दी से उतारना, लेकिन इसको लगा के बिल्कुल भी नहीं. अगेन नोज़ की ब्रिज में भी मैं हल्का हल्का सा अपना हाईलाइटर लगा रही हूँ, और क्यूपिड में भी थोड़ा सा. अगर आप चाहें तो हल्का हल्का हाथों से फाउंडेशन हाईलाइटर को फाउंडेशन के साथ हल्का हल्का ऐसे मिक्स कर सकते हैं थोड़ा शाइन के लिए. अपनी ब्राउ बोन में भी मैं लगाऊंगी. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लग रहा है इसका गाइस, मतलब मैं सोच रही हूँ अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में ना ऐसे ही लगाऊं. हाँ बट ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन थोड़ा सा वेस्ट जरूर होता है, हाथों में सारा फैलता है तो अच्छी तरह लगता नहीं है पूरा. अभी भी मेरे हाथों में फाउंडेशन है, बट ठीक है. अगर कोई चीज़ अगर आपको कुछ फ़ायदा दे रही है तो थोड़ा सा उसका नुकसान भी होता है. और देखिए मैंने हाईलाइटर भी अप्लाई कर दिया है, और आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि मैं अभी बहुत लाइट में हूँ. तो हाइलाइटर मैंने हल्का हल्का अप्लाई किया है थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक दिखाने के लिए. और मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. ये जो लुक आया है ना, ये हाथों से अपना फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते. आज मैं आप लोगों से बात करते करते ही ये मेकअप ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ. मेरे पास NYB की लिप शेड्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एज अ हम आई शेडो यूज़ करें, ट्राई करती हूँ. अब मुझे पता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूर मैं अपनी आँखों के ऊपर कॉम्पैक्ट जरूर लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर आँखों में फाउंडेशन लगा है तो कॉम्पैक्ट लगाना बनता है, वरना आई मेकअप क्रीज करता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई कॉम्पैक्ट आफ्टर फाउंडेशन. तो चलिए अब मैं ले रही हूँ NYB का लिप शेड. ये बहुत ही डार्क लिप शेड है, लेकिन लेट्स ट्राई इससे करूँ या कोई और लिप शेड से करूँ, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि ख़राब ना हो. क्या कहते हैं आप, कोई और ट्राई करूँ? ये वाला लिप शेड ट्राई करूँ, क्रीमी लिप शेड वेट एंड वाइल्ड का, ये वाला ट्राई करती हूँ. देखती हूँ ये कैसा फिंगर से ब्लेंड होता है. ब्राउनिश कलर है ये, और ये आपने हल्का हल्का अपने दोनों लिड में अच्छी तरह लगा लेना है, लाइक जैसे मैंने लगाया है. उसके बाद कोशिश करें कि उंगली की हेल्प से ही आपने ब्लेंड करना है. आपने सर्कुलर मोशन में या अपर डायरेक्शन में ली जाइए, क्योंकि ब्लेंडिंग जो होती है वो दिखनी चाहिए, तो अपर डायरेक्शन में ले जाना है.
और अब वो डायरेक्शन में ले जा रही हूँ मैं, और देखिए कितनी अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है यार। मतलब क्रीमी आजकल मैं देख रही हूँ, हुडा ने अपने कुछ क्रीमी आई शेडो लिप शेड्स निकाले हुए, लाइक वो शेड्स ऐसे हैं कि उसको आप एज अ लिप शेड भी यूज़ कर सकते हैं, और आई शेडो मैंने उसको बेसिकली आई शेडो में देखा है, लिक्विड आई शेडो। वाह, मतलब मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया, पर लूँगी तो ज़रूर। लेकिन आपको ये बता दूँ कि मैंने यहाँ पे लिक्विड लिप शेड लगाया है, वेट एंड वाइल्ड का। शेड नंबर भी बता देती हूँ मैं आपको, शेड नंबर है इसका E913 सैंड स्टोन। तो ये मैंने अप्लाई किया और देखिए कितनी अच्छी तरह, मतलब मैंने सोचा कि मैं ब्रश यूज़ करूँगी, बट ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपने ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे अपने कोई भी क्रीमी शेड को ब्लेंड करना होता है, तो उसे बहुत ही हल्के हाथों से करना होता है। बहुत ज़्यादा हाथों से करोगे तो वो कलर जो होता है वो उड़ जाता है, वो आपके फिंगर में आ जाता है। तो हल्का हल्का, जैसे मैंने किया है, लिड में थोड़ा थोड़ा कलर करके हल्का हल्का उसको ब्लेंड करना है। जितने हल्के हाथों से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज ये वीडियो लंबी बन सकती है, और थोड़ा पीछे सीटी की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअली दाल चढ़ी हुई है। तो आपने ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है, बहुत अच्छी तरह, बहुत प्रिटी तरीके से ब्लेंड हुआ है, बहुत अमेजिंग तरीके से ब्लेंड हुआ है, देखिए। और अब बात आती है इनर कॉर्नर्स की, अगेन मैं फिंगर की ही यूज़ कर रही हूँ, और इनर कॉर्नर्स में अपने हल्का हल्का ये लगाऊंगी ऐसे, और जो एक्सेस है उसको आप अपनी लिड में अप्लाई कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हाइलाइटर और ले रही हूँ, और अपनी लिड के एकदम बीच में लगाऊंगी, सेंटर में, हल्का हल्का, थोड़ा सा ना नेचुरल लुक देने के लिए। तो हल्का हल्का, एंड देन अगेन आपने अपने जो लिप शेड आपने लगाया था उससे आपने मर्ज करना है। तो बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम नेचुरल लुक आ रहा है। जो इनर कॉर्नर अगर आपको लग रहा है ज़्यादा आगे को हो गया, तो आप नॉर्मल तरीके से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और फाउंडेशन भी अगर बात करते करते 4-5 मिनट तो हो गए होंगे, बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है और बहुत ग्लोई लग रहा है। अगर आपको और हाईलाइटर ऐड करना है तो आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने हाथों से हाइलाइटर ऐड ऑन कर दिया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो शेड लगाते हैं, ये वाला शेड लगाती हूँ, ये थोड़ा डार्क शेड है, ये एन वाई बेकर शेड है, तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ। कलर बहुत प्रिटी है, आपको शेड नंबर बताती हूँ अभी मैं। तो ये ट्रिक जो है आप ट्राई कर सकते हैं घर में, बहुत लीजिए लिप शेड लग गया है, बहुत प्यारा मैजेंटा जैसा शेड है ये, और नंबर 7 है, फर्स्ट बेस स्पेशल। तो ये, और इसका प्राइस भी शायद ज़्यादा नहीं है, 150 के अराउंड है, 100 to 150 के बीच में है, और ऑब्वियसली ट्रांसफरेबल है, इतने में तो आपको इतना ही मिलेगा। अगर आप 100 150 के लिए, तो ट्रांसफरेबल है, लेकिन अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, चलती है बहुत हद तक। अगर बजट कम है तो ये लिप शेड ले सकते हैं। बजट कम क्या, अगर हम पैसे कम लगाना चाह रहे हैं और अगर हमें कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, बुरी नहीं मिल रही है, ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, मीडियम है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शेड्स इसके अंदर बहुत अमेजिंग आते हैं। तो ये लग गया है मेरा लिप शेड, और सोच रही हूँ लाइनर लगा लूँ। आप लोगों के सामने ही सब कुछ मैं आज करने वाली हूँ। ये एक तरीके का हमारा ट्यूटोरियल ऐसा हो गया कि चिट चैट भी हो गई साथ ही साथ, और लाइनर भी लग गया। लैशेस वगैरह नहीं लगाऊंगी फिलहाल, और बहुत अच्छा लग रहा है। विंग बनाते टाइम मैं चुप हो जाती हूँ। क्योंकि विंग में थोड़ा हालत ख़राब लगती है मुझे, तो विंग बनाते टाइम मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी विंग बनाना आप लोग समझ ही सकते हैं, जितनी लड़कियाँ विंग बनाती होगी लाइनर में, कितनी मुसीबत वाला काम होता है ना, बहुत मुसीबत वाला। हमें कहते हैं जल्दी रेडी हो, जल्दी रेडी हो, लेकिन जो विंग बनाने वाला काम है वो बहुत मुसीबत भरा वाला काम है। और मेरा तो कितना भी महंगा मैं लाइनर ले लूँ, लेकिन मुझे पसंद आता है यही अपना लेक में, 100 के अराउंड या 120 के अराउंड आता है ये। और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 रखे हुए हैं मैंने, जो कि अभी एक मेरा को ऐसा लग रहा है कि चल नहीं रहा है, चल क्या नहीं रहा है, इसमें थोड़ा मुझे वो कम लग रहा है। मैं दूसरा सोच रही हूँ कि दूसरा मिल जाए तो मैं दूसरा यूज़ कर लूँगी, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए एक विंग तो बना ही देती हूँ मैं जल्दी। तो आप लोग भी बताना कितने लोग यूज़ करते हो।
तो यहाँ मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, हल्का सा मस्कारा यूज़ करूँगी। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, मेरा मस्कारा जो है वो काफ़ी ऐसा अजीब सा हो गया था, लाइक जम सा गया था। तो इस पर मैंने क्या किया, जो भी लोग कॉन्टैक्ट वगैरह यूज़ करते होगे, लेंसेज यूज़ करते होगे, उसके साथ एक सोल्यूशन आता है, तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स किया, क्योंकि मैंने भी ये हैक देखा था, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखूँ। और ट्राई किया और लगाया मस्कारा, दोबारा से एकदम नया जैसा हो गया। तो हल्का हल्का आपने अपनी लैशेज में अप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ हल्का सा मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आईलैश कर्लर, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मीशो से लिया था, तो उससे मैं अपनी लैशेज़ को कर्ल कर लेती हूँ, जिससे लैशेस थोड़ी अपवर्ड अच्छी तरह हो जाती है, अच्छी दिखती है। ऐसे मेरी लैशेस वैसे भी बहुत लंबी है, तो मुझे वैसे लैशेस, फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेगा का काजल, जो कि मैं सिर्फ अपनी वाटर लाइन में लगाने वाली हूँ, बाहर की तरफ को नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वाटर लाइन यूज़ करूँगी। और जैसे कि मैंने लगाया हुआ है फाउंडेशन फेस में, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मेरा पाउडर पफ एक बार में मुझे सारा सामान नहीं मिलता। चलिए कोई नहीं, अपना वाटर लाइन मैंने फिल करनी है हल्की हल्की, कि अधूरा सा कुछ ना रहे, हल्का हल्का करना है। तो वाटर लाइन में मैंने काजल फिल कर लिया, एक्चुअली मेरी आँख में कुछ चला गया था तो इसीलिए। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मेकअप कंप्लीट हो गया, मतलब अगर आप शादी वगैरह में जाने, तो बस मैंने ब्राउज़ नहीं किए, ब्राउज़ ठीक है, ब्राउज़ मेरी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत करने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, तो मैंने नहीं की है। और ये है ओवरऑल मेकअप का लुक, योगा स्किन मेकअप ट्यूटोरियल। तो मैं लास्ट में एक बार ये ज़रूर भर लेती हूँ, लगा लेती हूँ मेकअप फिक्सर। हल्का हाथों से ही अब सब काम करने हैं, ब्लेंडिंग करनी है, तो इसको भी क्यों ना किया जाए। और मैं कैमरा उठाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, मे बी अगर आपको यहाँ से अगर अच्छी तरह ना दिखाओ तो देखिए कितनी ग्लोई स्किन लग रही है। और आँखों का मेकअप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए विंग भी कितना अच्छा लगा, और आई मेकअप देखिए कितना नेचुरल हुआ है। लाइक अगर आपको ना जब ज़्यादा टाइम नहीं है करने का, मेकअप नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ये लुक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मतलब ये ट्रिक आप ज़रूर कर सकते हैं। ये इतना ट्रेंडिंग थी इंस्टाग्राम में, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स ने सब ने वीडियो बना दी थी, और मैंने सोचा मैं पीछे रह गई हूँ। कोई नहीं, पीछे रह गए तो क्या हुआ, वीडियो तो बनानी चाहिए है ना। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, और आप लोग ट्राई कर रहे हो ज़रूर एक बार ट्राई करना मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे ट्राई करके बहुत अच्छा लगा है। ब्लेंडिंग की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी तरह प्रोडक्ट ब्लेंड हुआ है। हाँ, थोड़ा सा वेस्टेज है प्रोडक्ट की, हाथों में रह जाता है, अच्छी तरह नहीं लगता है, तो ठीक है वेस्टेज है थोड़ी बहुत, लेकिन ब्लेंडिंग का अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है। तो अगर आप अपनी आँखों के लिए भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से कोई लिप शेड उठाइए उठाइए और जल्दी से अप्लाई कीजिए, और उस उन फिंगर की हेल्प से ही आप ब्लेंड करिए। देखिए कितना अच्छा हो, एकदम नेचुरल लग रहा है, लग रहा है जैसे कि ब्रशेज से किया होगा। तो ये बहुत अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल था, वो भी विदाउट मेकअप ब्रशेज, मतलब आपको मेकअप ब्रशेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए। मैंने देखा कि ये बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों तक तो शेयर करना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, और जिनने नहीं देखा है वो मेरे चैनल के थ्रू देख लेंगे। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने बरकरार रखना है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय बाय।